जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब ये यह कहा करते थे बीजेपी वाले, ये काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि प्रत्येक हिंदुस्तान के व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे। तो जनता में, लोगों में यह मैसेज गया, उनको ऐसा लगा कि हमारे घर में 10 लोग हैं और 15-15 लाख हो गए तो हम तो करोड़पति हो गए, 1.5 करोड़ आ गया है। इसलिए लोग बहकावे में आ गए इनके में। धरातल पे बीजेपी का कुछ नहीं है, विकास कार्य 0 है। लेकिन वो कह रहे कि मंदिर बनाया हमने। नहीं देखो, मंदिर से होगा क्या? मंदिर में, मंदिर का कहा जाए तो पहले से चल रहा था कोर्ट में, चल रहा था कोर्ट में, मगर मंदिर बनाया है सन 2014 से, चंदा इकट्ठा हो रहा था पूरे देश का, वो पैसा लगा है मंदिर में, मतलब मंदिर बनाया जनता ने, जनता ने, देश की जनता ने। बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है। वो कह रहे 370 हटाया हमने, 370 ठीक है, 370 हटाया, मगर जनता को क्या लाभ हुआ? मंदिर की जो जमीन है उसमें सच पूछा जाए तो कितने बड़े पैमाने पे घोटाला है, वो भी देख लीजिए। वो कहते हैं किसान सम्मान निधि देते हैं हम 2000 रुपये। किसान सम्मान निधि, उससे किसान से कितना क्या गुना ले लेते हैं? कैसे लेते हैं बताओ? तमाम टैक्स लगा दिए, डीएपी का रेट कहां से कहां पहुंचा दिया, यूरिया कम भी कर दिया, 10 किलो यूरिया कम कर दिया और रेट बढ़ा दिया। समय पर किसान को न यूरिया मिलता है न डाई मिलती है। पेट्रोल डीजल के भाव आप आसमान छू रहे हैं। गैस का सिलेंडर 350 रुपये का हुआ करता था, आज 1000 रुपये का है। इस सरकार में चरम सीमा पर महंगाई है। गरीब किसान मजदूर विशेष परेशान है, आत्महत्या के कगार पर है। अच्छा जी हाँ। वो कहते हैं कि हमने गरीबों को मकान दिए फ्री में, पक्के मकान दिए, घर घर तक बिजली पहुंचाई है। अच्छा मकान की बात करें आप, मकान भी अगर उसकी जांच की जाए तो मकान भी उन लोगों को मिले हैं जो उसके पात्र ही नहीं है। अच्छा, मतलब जिन पे पक्के मकान हैं। जी हाँ, उनको मिले हैं। मकान मिला है। जी हाँ, अगर सर्वे कराया जाए 50-50 तो उसमें क्या हुआ है ये जांच करा लें। रिश्वतखोरी भी क्या हुई है? सपा जांच कराएगी, सपा की सरकार आती है तो सपा इस पे जांच कराएगी कि किस किस को मकान मिला। अब ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। जी हाँ, आयुष्मान कार्ड बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड दिया हमने 5 लाख तक का। देखो इन कार्डों से कुछ नहीं होता, धरातल पर विकास हो। अच्छा, वो तो कहते हैं कि सड़कें बनाई हैं हमने सारी। नहीं, अरे अभी तुम आगरा में देख लो, यहाँ पे आगरा में एक एक हाथ के गड्ढे हो रहे हैं अभी। कितने रोड बता दूं मैं? बताओ बताओ, सारे रोड बताओ। आगरा में आप पथौली से, पथौली से आप निकल जाइए रामबाग तक। नहीं नहीं नहीं, बाय बिहार, बाय बिहार रोड है वो, टोटली उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ सारे गड्ढे मिलेंगे आपको। तो कहाँ गड्ढा मुक्त कराया इन्हें? शौचालय दिया, शौचालय दिया, शौचालय की भी जांच करा लें जो पहले बने हुए थे। कौन कराएगा? आप कह रहे हैं कि टाइम बताएगा। पहले जो बने हुए, सरकार आएगी हम जांच कराएंगे, कहिए। पहले वो बने हुए थे उन पे चिट लगा लिया, उसमें भी घोटाला हुआ है। अच्छा, तो कुछ बढ़िया हुआ 5 साल में? नहीं हुआ कुल मिला के। नहीं, हमारी समझ में तो कुछ हुआ नहीं। आपके समझ में कुछ बढ़िया नहीं? कुछ नहीं हुआ। अब जनता बदलने के मूड में है? जी हाँ। कितनी सीटें आ रही हैं? हमारे 350 पार करेंगे। अरे कैसी बात कर, रख लीजिए 400 की बात कर रहे हैं हम, 350 की बात कर रहे हैं हम तो। अरे आपके नेता 400 की बात कर रहे हैं? हमारे नेता को ज्यादा पता, हम तो भाई जिले में, आगरा में रह रहे हैं, मगर वो यूपी में रहते हैं। अच्छा, तो पूरी यूपी में 400 हो जाएंगे? जी हाँ। 3 सीटें किसके लिए छुड़वाई हैं? विपक्ष के लिए, एक एक बांटेंगे या फिर एक बीजेपी वाले, एक कांग्रेस वाले और एक बसपा? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार होगी।